गंधवानी में संस्था एक पहल के तत्वावधान में उमंग पतंग उत्सव का आयोजन स्थानीय तहसील ग्राउंड में किया गया, जो गंधवानी क्षेत्र इस तरह का पहला आयोजन संस्था के संरक्षक पूर्व मंत्री व गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे युवा में खेलों के प्रति रुचि और उत्साह हमेशा बना रहे, साथ ही प्रतिभा को स्थानीय स्तर से एक ही मंच प्राप्त हो। हमेशा मेरा यही प्रयास रहा है। संस्था एक पहल इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। पतंग उत्सव को लेकर युवाओं में अच्छा उत्साह नजर आया। सैकड़ों पतंग आकाश में पेंच लड़ाते नजर आई। इस आयोजन में प्रथम स्थान पर आदर्श शर्मा 5,100 रुपए, द्वितीय स्थान पर सुधांशु शर्मा 3,100 रुपए, तृतीय स्थान मोहित खंडेलवाल 2,100 रुपए तथा चतुर्थ स्थान अंसार 1,100 रुपए को प्राप्त हुआ। साथ ही कई सांत्वना पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी राम खंडेलवाल, स्वतंत्र जोशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। टीम भारती न्यूज। देखिए साहब, मकर संक्रांति के अवसर पर इस प्रकार हमारे पूरे देश के अंदर त्योहार मनाया जाता है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। इसमें नए कई परंपराएं गुजरात में हो, यहाँ हो, सब दूर नए युवाओं को शौक होता है पतंगबाजी का। तो इस बार यहाँ पे प्रयास किया ताकि गाँव के लोग सब मिले, आपस में स्वाद बुढ़ रहे, नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ। यही उद्देश्य था। देखिए, उद्देश्य यही है कि युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना, खेलकूद गतिविधियों से जोड़ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा रहते हैं, यहाँ पर इतने साधन नहीं है। एक मेरा प्रयास रहता है, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे नई शुरुआत गरीब पतंग की, चाहे महिलाओं के लिए नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इस बहाने सब लोगों में आपसे स्वाद गुण बना रहे और उनको अपने ही गाँव के अंदर मौका मिले और जो खिलाड़ी होगा वो आगे आएगा। Right now to most exciting channel ever.